बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी टाइम है नाश्ते का, तो मैं और अब्बू जान अभी करेंगे नाश्ता। अब्बू जान को मैं कह रहा था कि आप पराठे ही खा लें, लेकिन अब्बू जान कह रहे थे कि मैंने सादी रोटी खानी है। अम्मी जान ने कहा कि पराठे ही खाएं, तो अब्बू जान जो है ना पराठा खाना शुरू हो गए हैं। अब्बू जी दुख नहीं जा रहे दिल चो, मेरे दिल चुकी तुम मेरी गल नहीं मनी यार। यार मैं पुत्र दी नहीं मननी, मैं अपनी बेगम दी मननी। केड़ी गल है? दो पैकेट बड़े ने। तो अभी मैं दुकान पे आया हूँ सवैया लेने के लिए। कितने पैसे हो गए? 60 रुपए हो गए। ए एंज उन लगे ना हीरो। अरफ आप कौन है? चाचू की जान है ना। तो किसने बिठाया बाइक पे? अरफा पता नहीं अरफा को कौन बिठा गया बाइक पे। और ये देखिए इधर मेरा शेर, मेरा बीवी, मेरा नन्ना बीवी खुद जनाब आ गया दरवाजे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिम सिम, खुल जा। बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाएं आ जाएं आ जाएं, आयो जी, जी आयान, वेलकम, तुहानू खुश आमदीद कहने आए। मेरी शादी को हुए अल्हम्दुलिल्लाह 11 से 12 दिन हो चुके हैं। सारी शादियां भी खत्म और भाई साहब दावतें भी खत्म। तो अभी भाई साहब आज मेरी वाइफ जो है ना कुछ मीठे में बनाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये घर होने वाला है। फिलहाल मैं और मेरी वाइफ हम गांव वाले घर रह रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम यहाँ पे रहा करेंगे। तो आज अभी इसी घर मेरी वाइफ पहली दफा कुकिंग करेंगी। हमारे घर आके मेरी वाइफ ने अभी तक कुकिंग नहीं की है। तो मैं दोनों सही दसा ना, मेरी वाइफ ने कुकिंग भी नहीं करने आती। तो आ जाए देखते हैं, सवैया भी लेके आए ना, वो बनाएंगी। सिलेंडर के ऊपर ये जो चीज लगती है ना, ये लगाना मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है भाई साहब। हो गया पक्की गल यार, कारीगर कारीगर होता नहीं, अपना आप दस दाओ। मैं थक गया था कर करके, मुझसे नहीं लग रहा था ये, लेकिन भाई मुबशर आए हैं और लगा के भाई साहब चले भी गए हैं। गैस है कि नहीं? ओ है गैस। ओके जी ओके, है गैस। मुझे लग रहा था कि गैस ही नहीं है, लेकिन है गैस। भाई मुबशर जो है समझा रहे हैं कि दूध वाली सेवइयां कैसे बनेंगी। अभी भाई मुबशर ने समझा दिया, चीनी डाल देनी है, टेस्ट के दूध डाल रहे हैं, जैसे दूध में उबाल आए सेवइयां तोड़ के डालनी है, फिर चीनी डाल देनी है, उबाल आए तो तैयार। जैसे हम नूडल्स तैयार करती है ना, ये स्वीट नूडल्स है विद मिल्क। छन्नी चाहिए थी तो भाई मुदस्सर के घर से उधार ली है। अपने घर में सामान तो पूरा, लेकिन चीजें बिखरी हुई हैं। मुझे अगर बनानी पड़े तो मैं बना लूं, मुझे इतना पता है। मैं वाइफ से मजाक कर रहा था कि आपको सवैया नहीं बनाने आती, बाकी शामा दे रोंजी नहीं आनी। इस घर हम शिफ्ट होने वाले हैं कुछ दिनों तक, तो मैं तो भुखे ही रहूंगा। बड़ा मसला पै गया मैंने, मुझे टेंशन पै गई है। दूध डाल लिया है तो अभी गैस ऑन करने का टाइम है। इन्हें संभालो राणा साहब, इंजीनियर हो गई ऑन। वाजवा शेफ ज़ैनुल आबिदीन सिखाएगा अपनी वाइफ को कि कैसे सेवइयां बनाई जाती है। जैसे दूध में उबाल आए सेवइयां तोड़ के डालनी है, फिर साथ थोड़ी देर में चीनी डालनी है, उबाल आए सेवइयां तैयार। जस्ट लाइक नूडल्स, स्वीट नूडल्स। मेरी वाइफ को नूडल्स बहुत पसंद है, तो चाह दिन नूडल ही बनाना आती है बस, और कुछ नहीं। माशाल्लाह जी, पिछले दिनों इधर काफी ज्यादा कुकिंग हुई है। बिस्किट वगैरह भी तबाहियां माच रही है ना। क्या ये मिर्ची फूड्स, ये क्या अदरक पाउडर है ये? तो यहाँ पे चीजें पड़ी हुई हैं काफी ज्यादा, कुकिंग ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है, मिर्चें पड़ी हुई हैं, नमक भी है, आई थिंक हल्दी भी है, मतलब हांडी पक सकती है। लेकिन अभी हमने बनानी है सेवइयां, तो सेवइयों के लिए चीनी इधर मौजूद नहीं है। तो अम्मी जान बंदोबस्त करने गई है चीनी का, मुझे पता नहीं था चीनी नहीं है। तो अम्मी जान चली गई, मैंने कहा अम्मी जान कहाँ है, तो वाइफ ने बताया कि वो चीनी का बंदोबस्त करने गई है। मेरे ख्याल जो बाल आ गए, फड़ो अगला प्रोसेस करो, छोटियां करो जी। और अम्मी जान आई, अम्मी जान कहती है ब्रीक ब्रीक। अम्मी जान कहती हैं कि दूध जो है ना कम डाला है, दूध और होना चाहिए। हाँ जी, इरफा आप भी कुकिंग करेंगी? कुकिंग करेंगी आप? क्या बना के खिलाएंगी आप? क्या बना के खिलाएंगी? नूडल्स। चलें जी, फाइनली सेवइयां डाल दी गई हैं जी दूध में माशाल्लाह, लेकिन हमने साथ बखेरी भी है, कोई नहीं सफाई हुई। अभी चीनी डालने का टाइम आ चुका है, एग्जाम में हो रही है चीटिंग, चीटिंग हो रही है, चीटिंग। अम्मी जान जो है ना, उन्होंने कोली में डाल के दिए चीनी, कितनी चीनी डाल दो। दूध का भी अम्मी जान ने आगे बताया कि इतना दूध डालो। फिर सेवइयां जो है ना वो थोड़ी लंबी लंबी थी, तो अम्मी जान ने तोड़ के दी है कि ज्यादा छोटी होनी चाहिए। कुकिंग वैसे मेरी वाइफ ने की थी जी, देखो जेडी गल आया है नहीं। सेवइयां तकरीबन रेडी है, तो अभी जो है ना अम्मी जान चेक करना चाह रही है। बस हो गई ठंडी, वहां जी चेक करो हूँ। बिस्मिल्ला जी, अभी चेक होने लगी है सेवइयां। सही है, मीठा काट लग गया नहीं, बिल्कुल सब कुछ पूरा।
आप कामयाबी के साथ कामयाब हो चुकी हैं। नहीं सही गल है, सही अच्छी बन गई है, मैं जान कह रही हूं। बिस्मिल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। सवैया भी मेरा बेबी खाएगा और फिर मेरा बेबी बताएगा कि चाची ने सही सवैया बनाई हैं कि नहीं। अच्छी हैं। ओए अरफा होती ना तो उसने कहना था जिंदाबाद। माशाल्लाह जी मेरी वाइफ ने पहली दफा कुकिंग की है और बनाई हैं सवैया, तो सवैया बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ट्राई किया, अभी खाई नहीं है पेट भर के, सिर्फ ट्राई किए हैं। सवैया मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो भाई साहब अभी खाता भी हूँ मैं और भाई मुबशर को भी अभी चेक करवाता हूँ। बाकी ये देखिए इतनी सारी बनी हुई है, सारे घर वाले खाए पेट भर भर के सवैया। तो अभी भाई मुबशर को चेक करवाता हूँ कि सही बनी है कि नहीं, हमारे मास्टर शेफ। बिस्मिल्लाह जी। अभी गर्म है? नहीं नहीं ठंडी हो गई हुई है, काफी देर से डाली हुई है। चलें जी, अब यहाँ पे दो घर हैं तो दोनों घरों से अब खिदमत हुआ करेगी जब भी इधर आया करेंगे, और हम इसी तरह इंतजार करवाया करेंगे। एक घर हो तो फिर नखरे नहीं ना किए जा सकते, दो घर हूँ अब नखरे किए जा सकते हैं। एक घर से नहीं मिलेगी तो दूसरे से मिल जाएगी। जबरदस्त, फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अबू जी थोड़ी नवी नूह ने माशाल्लाह सेवियां पकाइयां ने, पहली दफा कुकिंग कीती है। अच्छा। ते चेक ते करो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बढ़िया बेहतरीन पकियां ने, बड़ा मजा आया नवी नूह दे हाथ दियां सेवियां खा के, स्वाद आया ते मजा आ गया। मैं भी अभी सवैया खाऊंगा और सवैया खाने के बाद मैंने जाना है सियालकोट, कुछ काम है वो आपको साथ साथ मैं बताता रहूंगा, फिलहाल मैं सवैया खा लूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ तो भाई मुबशर अभी जा रहे हैं टूर पे। भाई मुबशर की हिम्मत है, भाई साहब अकेले निकल जाते हैं, मेरे को नहीं जानता सीधी साफ गल। पीछे वे के यार गाड़ी मेरी 6248 किलोमीटर चल चुकी है भाई साहब, तो इसकी पहली प्रॉपर सर्विस जो है ना, इंजन ऑयल वगैरह जिसमें चेंज होना था वो होनी थी 5000 पे। ऑलमोस्ट 1250 किलोमीटर मैंने एक्स्ट्रा चला दी हुई है, तो अभी इसकी सर्विस करवानी है। टाउन जा रहा हूँ सियालकोट जा रहा हूँ, और उसके अलावा अपना कानामा लेना है। चलें सकलैन भाई, सकलैन भाई इज हियर। टाइम दे रहा हूं मैं यार, ते वेड़े पार लेवल है तेरा। नहीं जी गल कल वाशा तू छड़ा है, पर कोई गल नहीं यार, लास्ट लॉग अगर आपने देखा होगा तो गाड़ी दिलवाई थी मैंने, ये वाली। तो दो गाड़ियां थी हमारी, एक भाई मुबशर की और एक मेरी, तो हम चार बंदे थे। तो भाई मुबशर और सकलैन भाई जो है दूसरी गाड़ी पे थे, मैं और दानिश भाई जो है वो इस गाड़ी में थे। तो सकलैन भाई कहते हैं कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे छोड़ आए। सेवियां खानी है? नहीं कुछ नहीं होगा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लेकिन टाइम घट निकले ने, फिर वापस नहीं जाना चाहिए कार। रास्ते में भाई साहब क्रेन खड़ी है और क्रेन हो चुकी है खराब, तो क्रेन तो आगे पीछे होगी नहीं यार। अभी हमें वो पीछे जाना पड़ेगा अपने गांव, फिर अपने गांव से वो दूसरे गांव से भाई साहब घूम के फिर जाना पड़ेगा। इससे आपा हो गया यार, थोड़ी मेहनत तो हुई है भाई साहब, लेकिन क्रेन के पास ये थोड़ी सी जगह थी, गुजार ली अल्हम्दुलिल्लाह, वो चक्कर नहीं पड़ा, नहीं तो मसला हो जाना था। सकलैन भाई जब आप आगे खड़े होते हैं ना, मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो पीक पे होता है, फिर मेरा ध्यान आप पे होता है, फिर मैं नहीं देखता इधर। सकलैन भाई इधर को बोल रहे हैं राइट करो, तो मैं राइट करूंगा, फिर ना मैं कैमराज में देखूंगा किधर भी नहीं सर। बस सकलैन भाई की आंखों में आंखें होती हैं और गाड़ी जो निकल जाती है सर। इत्माद जी, इत्माद वो तो है। कोई नया बंदा इधर खड़ा होकर समझाता ना, फिर नहीं मैनू समझ आनी की और है। लेकिन जगह इतनी थी कि गाड़ी गुजर जाती। नकानामा जो है मेरा वो आएगा ससुराल से, तो ससुराल मेरे थोड़े दूर हैं, तो मैंने उनको बोला था, अपने ससुराल वालों को, अपने ब्रदर इन लॉ को, कि वहाँ से ना आप गाड़ी पे रखवा दो और सियालकोट लारी अड्डे से मैं पिक कर लूँगा। तो अभी उन्होंने वहाँ से गाड़ी पे रखवा दी है नकानामा, और गाड़ी जो है वो 1.5 घंटे तक जनाब सियालकोट पहुँचेगी, फिर सियालकोट से भाई साहब हम रिसीव करेंगे निकानामा इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं और भाई साहब काम करते हैं। बाकी सबसे मेन काम जो है ना वो निकानामा है, पेपर वर्क जो है ना, ये गवर्नमेंट के लेटर या और जितना भी होता है, ये मुझे बहुत खिंच वाला लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकानामा आ गया ना, बस मेरे हाथ में जल्दी से आ जाए सही। उसके अलावा आईडी कार्ड वाइफ का बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, तो सोच के ना मुझे बुखार हो रहा है। कोई नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोस्त के शोरूम पे अभी हम पहुंच चुके हैं, यानी हम सियालकोट में हैं। तो अभी दोस्त को साथ लिया है, ये फरहान भाई ने अपनी गाड़ी इधर खड़ी की है, तो दूसरे दोस्त जो हैं फिजान भाई अपने, ये अभी ड्राइविंग करेंगे। और बिल्कुल इस गाड़ी की दूसरी साइड पे ना ये एक डाला खड़ा है, देख रहे हैं, रोको
काला डाला। तो भाई साहब सकलैन ना मुझे पूरा पूरा कह रहा है कि बैठे आप लेना रोकोगा पैसा बड़ा लगता है। सकलैन भाई आखिरी फैसला डालेगा, आखिरी फैसला भाई पसंद आई है। रोको अच्छा है, मैंने देखा हुआ पहले। रुको जरा सबर करो, पैसा ध्यान दो। खाना खाने के लिए भाई साहब अभी आए हैं, तो मेन्यू आया सामने। तो यहाँ पे जनाब विलेज बर्गर, इसमें क्या इन्होंने विलेज वाला डाल दिया हुआ है, हार्ट अटैक खाओ ते जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपना निकाहनामा रिसीव कर लिया है। मैंने तो पता भी नहीं हुंदा कि तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम देखा निकाहनामा। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना आ गया, ये देखें प्लेटर भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है यार। आए हाय 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 हाय। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। गाड़ी का ना ये टच सिस्टम है, मतलब चाबी आपकी जेब में है, इसे आप टच करोगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, इसे टच करोगे गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो ये काम नहीं कर रहा। तो अभी भाई जो है ना वो दूसरी साइड पे ना यही चेक कर रहे हैं कि क्या मसला है। ये चीज़ शुरू से ही काम नहीं कर रही जब से मैंने गाड़ी ली हुई है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी, इसमें तो भाई साहब वो चाबी बार बार निकाल ही नहीं पड़ती। चाबी आपकी जेब में है, बस टच करो डोर अनलॉक हो जाएगा, बैठो और जाओ। मेरी भी हैवल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही आई थी लोड होके। भाई साहब व्हाइट कलर में भी हैवल खूबसूरत लगती है, जैसे कि ये हैवल खड़ी है, लेकिन ब्लैक है भाई साहब। और ये एक नई गाड़ी आई है इनकी, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। भाई बता रहे थे कि सिंगल चार्ज में ये 400 किलोमीटर तक चल जाती है। बहुत ही प्यारी गाड़ी है, अंदर से आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह चेक करें इंटीरियर जो है ना इसका, आउट क्लास माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। ये चेक करें गाड़ी की जो फ्रंट साइड है ना, जो फ्रंट लुक है, ये बड़ी खूबसूरत और डिफरेंट गाड़ी लग रही है यहाँ से। सर मेरे हार जी, मैं ब्याह दूसरी शादी कर लें। पहली तो हो गई हुई है। सारी जिंदगी जड़ी है नेरे चाहिए कार्ड छड़नी ही आने वाली थी, टाइम पे पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसका टच सिस्टम है, मैं दबाऊंगा तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। सही है, अनलॉक हो जाएगी। सिंपल, चाबी आपकी जेब में, ये मैंने जेब में डाल ली, लॉक होगी। गुस्सा कर गया, बहुत ही बारी कीता ना, गुस्सा कर गया। सुना देखे तजर्बा सारी जिंदगी का। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। कितना खर्चा आया है वो भी आपको बताता हूँ। पहली दफा अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हुआ है। रैन भाई दिखाएं जरा, 10,676 रुपए बिल आया है। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।